यूपी के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर ने अपनी बहू का गला उस तरह से रेत दिया, यही नहीं ससुर अपनी पुत्रवधू को रास्ते में फेंककर फरार भी हो गया। दरअसल ये महिला बीते 2 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और अपने ससुर के साथ खुर्जा में रहती थी। ससुर ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया उसकी वजह भी सामने आई है। ससुर अपनी बहू से किसी और व्यक्ति के साथ चले जाने पर नाराज था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। देखिए, थाना खुर्जा नगर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घायल अवस्था में, गले पे उसके चोट है, उसको सड़क के किनारे पाया गया है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, जिला अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। जांच में के क्रम में ये चीज़ ज्ञात हुई कि ये जो महिला है ये विगत 2 वर्षों से अपने ससुर के साथ रह रही थी यहीं खुर्जा में, और कुछ दिन पहले ये इसका कहीं और जाना पाया गया था। जब ये वापस आई वहाँ से, शिकारपुर क्षेत्र के सलेमपुर में इसका घर पड़ता है, वहाँ पे वापस आई हुई थी, तो ये ससुर से लेने गया हुआ था वहाँ पे। पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष का पूरा परिवार मुझे मारना चाहता है, मेरी सास, देवर और ससुर मुझे मारना चाहते हैं। मेरे ससुर ने मेरी गर्दन काट दी, मैं ससुर से बचकर भाग आई। मेरे पूरा परिवार मुझे मारना चाहता। कौन सा परिवार? मेरी सास, देवर, ससुर। मेरे ससुर ने मेरी गर्दन। अब किसने काटी है ये गर्दन? तुम्हारी गर्दन पे निशान है, चोट है। मेरे ससुर ने। अच्छा, फिर कहाँ छोड़ के भाग गया आपको? मैं उससे बचा के भाग आई। वापस लाते वक्त बाइक पे बैठा के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के बम्बे के पास इस व्यक्ति द्वारा, जो ससुर है इसका, इसके गले पे एक उस तरह से वार किया गया तथा उसी व्यक्ति द्वारा फिर इसको इलाज के लिए यहाँ लाया गया, और बीच में ये व्यक्ति डर गया और इसने सड़क किनारे इस महिला को छोड़ के ये भाग लिया है वहाँ से। ये व्यक्ति शुद्ध था कि ये इसको छोड़ के चली गई थी किसी और व्यक्ति के साथ। इस महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें तहरीर प्राप्त करके सुनिश्चित की जा रही है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, वहीं आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।